कि हमें ईवीएम फोड़ने के लिए बूथ लेवल की कमिटियां बनानी चाहिए और राउंड अबाउट 13 लाख से 15 लाख तक बूथ होने की संभावना है सारे देश भर। तो यदि जिले के लोग निर्धारित कर ले एक महीने में आपके जिले में जितने बूथ है वो सारे बूथ लेवल पर कमिटियां निर्धारित हो सकती है। अगर सारे बूथ लेवल पर आप कमिटियां बना लेते हो तो आप ईवीएम फोड़ने के लिए वहां तैयार रहोगे। तो एक आदमी जाके फोड़ेगा तो चुनाव आयोग दूसरी मशीन लगाएगा, तो इसलिए 5 आदमी कम से कम कमिटी में होने चाहिए। अगर 5 बार फोड़ना पड़े तो 5 बार फोड़ने। पंद्रह लाख लोग जब फोड़ेंगे ना किसी को जेल नहीं होगी, लिख के देता हूं। एक आदमी फोड़ेगा तो हो, 15 लाख आदमी फोड़ेंगे तो दे तो नेशनल एजेंडा हो गया। मैं आपको आंदोलन की रणनीति भी समझा रहा हूं कि अगर एक आदमी फोड़ेगा तो वो जेल में जा सकता है, 15 लाख लोग फोड़ेंगे कोई जेल में नहीं लेके जाएगा। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।